असलम स्टूडेंट्स आज मैं टॉपिक शुरू कर रही हूँ अदर मेंटेनेंस फंक्शंस और ये है क्लास गेस्ट्रोपोडा इसका ताल्लुक है फ़ाइलम मोलस्का से जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है जानदारों में गैस एक्सचेंज जो है वो मेंटल कैविटी को इन्वॉल्व करती है क्योंकि मेंटल कैविटी पीछे की तरफ खुलती है और उससे पहले दो गिल्स जो हैं वो अमूमन इन जानदारों में होते हैं जो कि गैसट्रोपोड्स कहलाते हैं ये दो गिल्स लेकिन एवोल्यूशन के अमल के दौरान क्योंकि शेल जो है वो कॉयल होता गया हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि शेल की कॉइलिंग होती चली गई है कुछ चैम्बर्स बड़े हैं उसमें कुछ खाने उसमें छोटे हैं तो बिकॉज ऑफ़ द कोयलिंग ऑफ शेल क्योंकि तिकोना सा जो इसका शेल है वो दोनों तरफ से और दरमियान में थोड़ा सा ब्रॉड है इसलिए बास जानदारों में एक गिल जो है वो एवोल्यूशन के अमल के दौरान लॉस्ट भी हो गया और एक ही गिल रह गया तो सम गेस्टोपोर्ट्स हैव अ रोल्ड एक्सटेंशन ऑफ द मेंटल विच इज़ नोन एज साइफन यहाँ एक मैं आपको इन जो इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला ऑर्गेनिज्म है उसकी एक डायग्राम दिखाती हूँ और फिर मैं आपको साइफन बताती हूँ ये आप देख सकते हैं कि इसके सेंसरी टेंटिकल्स हैं इसकी टेप पर इसकी आंखें हैं ये भी सेंसरी प्रोजेक्शंस होती हैं जो सर के पास से निकल रही होती हैं यहाँ आप देख सकते हो कि मुंह है फिर स्टमेक जो फेयरिंग्स इंटेस्टाइन वगैरह वो सारी आगे जाकर जो है इसके मुख्तलिफ चैम्बर्स जो हैं वो बन जाएंगे और एंड होगा इसका इनस के ऊपर अच्छा जी उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक म्यूकस ग्लैंड है जो कि म्यूकस सिक्रीट करता है नीचे लंबा सारा एक्सटेंडेड फुट है ये पिनिस है जिसकी वजह से इस्पाम जो है उसको फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो है वो इंसर्ट किया जाता है जेनिटल ओपनिंग है जिसके थ्रू जो है जो जेनेटिक सॉरी जो गैमेटिक मटेरियल है उसको एक्सक्रीट किया जाता है इसके अलावा ग्लैंड भी पाए जाते हैं जो कि स्लाइवा बनाते हैं पीडल गेंगलियन पाओ में मौजूद जो गेंगलियन होता है उसको पीडल गेंगलियन कहते हैं जो कि पाओं के अंदर मौजूद रक्त का निज़ाम पैदा करता है बाकी के नर्वस सिस्टम के साथ ये आप देख सकती हैं कि यहाँ इसकी बॉडी में ऊपर ये शेल जो है ये कोयल हुआ हुआ है तो ये सारे ऑर्गन्स भी उस क्यलिंग के मुताबिक जो है आपको इकट्ठे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं यहाँ ऊपर इसका ये जो स्ट्रक्चर है ये इसकी किडनी है जो कि सारा नाइट्रोजनस वेस्ट अब्जॉर्ब करके रिमूव करेगी ये आप देख सकते हैं हार्ट है हार्ट के इसके मेन दो चैम्बर्स होते हैं बाहर एक खाली सी जगह होती है असल में ये रिड्यूस्ड इसकी सिलोम होती है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेंटल कैविटी खाली जगह जहाँ पर जाकर इसके गरीब तर करके तो गिल्स जो हैं अमूमन यहाँ पर आकर इसके खुलते हैं ताकि ये तेज़ी से अंदर आने वाले पानी के थ्रू जो गिल्स जब पर जब अंदर आने वाला पानी बहता है तो ऑक्सीजन जो है उसको वहाँ पर सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से रिमूव कर देता है एल्ब्यूमिन ग्लैंड नाम से जाहिर है कि ये एल्ब्यूमिन से क्रिएट करता है एक्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है ताकि जब वो डेवलप कर रहे हो नए जानदार में तो उनको न्यूट्रिशन की कमी ना हो वॉस डेफरेंस ये वो डक्ट होती है जो कि स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह ओवरी डक्ट ये ओवरी के साथ एसोसिएटेड डक्ट होती है और ये ओवरी से एग को आगे की तरफ लेकर जाती है और वो रास्ता फराम करती है जहाँ से स्पर्म जो हैं वो एग तक पहुँच सकते हैं तो ये एक जनरलाइज स्ट्रक्चर है एक जानदार का गेस्ट्रोपोर्ट का जो कि आपको दिखाया गया अब अगर हम बात कर लें गिल्स की तो एक गिल जो है वो कहा जाता है कि लॉस्ट हुआ है इनके बारे में एक बात बहुत, बहुत ज़्यादा जो है वो आगे आई है कि बहुत सारे ऐसे जानदार इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि ऐसे जानदार हैं जिनमें कुछ ऑर्गन जो थे वो पेयर की शक्ल में थे लेकिन क्योंकि जैसे जस जैसे जो इनका शेल है वो क्वाइलअप होता चला गया और दोनों तरफ जो है वो जगह रिड्यूस्ड होती चली गई तो कुछ जो स्ट्रक्चर्स थे जो कि पेयर की शक्ल में पाए जाते थे वो सिंगल सिंगल रह गए अब इनका जो हम बात कर रहे हैं कि एक्सटेंशन है मेंटल की वो बाहर की तरफ जो है वो पाई जाती है मिसाल के तौर पर ये जानदार की बॉडी है ये उसका लंबा सारा फुट है ये उसका लंबा सारा बड़ा सारा शेल है तो शेल के अंदर मेंटल एक तरफ करके रोल हुआ होता है और एक छोटी सी ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर बना देता है जैसे कि ये इसको कहते हैं साइफन साइफन वो जगह फरहम करता है जहाँ से पानी जो है वो अंदर आ सके बाज़ जानदारों में दो साइफन होते हैं एक दाएं तरफ होता है और एक थोड़ा सा बाएं तरफ करके होता है ये रोल हुआ बहुत है जैसे आम रोल जो हम खाते हैं ना उसमें आप देखते हैं कि जो परत होती है मैदे की वो अपने अंदर ही जो है वो राउंड एंड राउंड मूव की होती है तो इसमें भी जो मेंटल की एक्सटेंशन है ना वो राउंड एंड राउंड ट्यूब के जैसी होती है तो दो साइफन होते हैं एक से पानी अंदर आ जाता है और एक से पानी बाहर निकल जाता है तो एक को एक्सटर्नल साइफन कहते हैं और एक को इंटरनल साइफन कहते हैं करंट या करंट के वर्ड्स भी यूज़ करते हैं इसकी डिटेल हम आगे आने वाले टॉपिक्स में भी देख लेंगे अब इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड कोई ख़ास वैसा ब्लड नहीं है जो कि आम हायर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और जो ब्लड साइनसिज़ हैं वो ओपन स्पेसेस हैं जहाँ पर ब्लड वेसल आगे जाके खुल जाती है वो मजीद किसी वेसल में जुड़ती नहीं है तो ब्लड जो है वो ऑर्गन्स के साथ लिपटा पड़ा होता है चिपटा पड़ा होता है यानी उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और इसको हम कहते हैं कि ब्लड बाथिस द सेल्स और द टिशूज़ इन ओपन स्पेसिस कॉल्ड साइनसिस मिसाल के तौर पर अगर ये ब्लड वैसल है तो हम देखते हैं कि ये आगे जाके अपने से आम जानदारों में जो कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं अपने से तंग छोटी ब्लड वेसल के अंदर खुलती है फिर मजीद छोटी ब्लड वेसल के अंदर जाके खुल जाती है हती कि कैपिलरी लेवल पहुंच जाता है जो कि एक लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनती हैं माइक्रोस्कोपिक होती हैं और वो सेल्स के लेवल पर जो है वो ब्लड जो है वो भेजती हैं लेकिन इन जानदारों के केस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ने तो जो ब्लड वेसल हैं वो आगे जाकर खुल जाती हैं ओपन स्पेसिस में जैसे कि यूँ अब यहाँ पर अगर कोई जानदार का ऑर्गन पड़ा यहाँ खून बह रहा है इस ब्लड वेसल में तो खून आकर ऑर्गन के साथ डायरेक्ट लिपटा हुआ होगा उसको डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर रहा होगा टच कर रहा होगा इसीलिए इसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो इनमें एज सच आपको अलहदा अलहदा तरह के सेल्स नजर नहीं आएंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है कि किस किस्म का रंग का इनका ब्लड होगा पेल सा पिंक सा या येलो ग्रीनिश भी कुछ जो है वो जानता रहो कि ब्लड का रंग माना गया है और इसके अलावा इनमें कैल्केरियस शेल तो है जिसके अंदर ये चले जाते हैं लेकिन इनमें हाइड्रोलिक्स स्केलेटन भी है हाइड्रोलिक्स स्केलेटन ये कि सिलोम के अंदर और बॉडी कैविटीज़ के अंदर ये सिलोम में सिलोमिक फ्लूड को भर लेते हैं इसमें कुछ मिनरल्स होते हैं कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं कुछ इसी तरह की चीज़ें होती हैं ये थोड़ा सा थिक होता है और इस पानी को ये प्रेशर से विद द हेल्प ऑफ मस्कुलेचर जो मसल्स पाए जाते हैं उनकी मदद से किसी चीज़ को एक्सटेंड करने में मददगार साबित होते हैं तो हाइड्रोलिक्स कैलेटन जो है इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं इट कन्सिस्ट ऑफ फ्लूड अंडर प्रेशर दैट मे बी कॉन्फाइंड टू टिश्यू स्पेसिस टू एक्सटेंड द बॉडी स्ट्रक्चर एंड टू सपोर्ट बॉडी अब ये मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ मिसाल के तौर पर ये जानदार है और ये इसका टेंटिकल है तो यहाँ ये सिलोमिक फ्लूड जो है ये मौजूद है इस एरिया में जितने भी मसल्स होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे वक्तन फ़वक्ता जब वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इस फ्लूड के ऊपर प्रेशर एक्जर्ट करते हैं ताकि ये जो फ्लूड है इसको इस टेंटिकल की तरफ़ फ़ोर्स किया जाए जब इस टेंटिकल की तरफ इस फ्लूड को फोर्स किया जाता है तो इसके अंदर जो सिलोमिक फ्लूड है वो भरना शुरू हो जाता है अब जहाँ ये पहले पिचका हुआ था जहाँ इसकी शेप सिर्फ इतनी थी फॉर एग्जाम्पल जब इसके अंदर फ्लूड जाएगा तो ये एक्सटेंड होकर आगे ऐसे बढ़ जाएगा फुली ग्रोन हो जाएगा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके पास गुब्बारा होता है और उसमें हवा ना हो तो उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती वैसे ही पड़ा होता है लेकिन जब आप उसमें हवा भरते हैं या पानी भरते हैं तो उसकी शेप वैसे हो जाती है जो एक्चुअल जिस शेप में उसको बनाया गया होता है जिस मटीरियल से रबड़ टाइप का वो मटीरियल होता है तो हाइड्रोलिक स्केलेटन का मेन मकसद होता है कि टिशूज़ के साथ साथ मसल्स के साथ साथ इस फ्लूड को जिसम के अंदर भर लेना जिसकी वजह से इसकी बॉडी जो है को नहीं करती पिचकती नहीं है और अगर टेंटिकल जो हैं छोटे हैं मिसाल के तौर तो पर यहाँ तक खुले हुए हैं तो उसके अंदर फ्लूड को भर के उसको एक्सटेंड कर लेना तो ये हाइड्रोलिक स्केलेटन जो इसकी डेफिनेशन है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे तरीके से याद भी कर लीजिएगा अब स्नेल जो हैं इनके जो टेंटिकल्स होते हैं थोड़े से सेंसरी नेचर होते हैं ये हवा में इनके सर से उठे पड़े होते हैं और थोड़ा सा इन मेरे सेप्टर सेल्स जो इनको मददगार साबित होते हैं चीज़ों को समझने के लिए जो कि इनके इर्द गिर्द होती हैं गैंगलिया की बात करें तो वो बहुत सारे हैं बाकी के जिसम के हिस्से के पास जो गेंगलिया पाए जाते हैं उन्हें विसरल गैंग्लियन बोलते हैं क्योंकि उसको हमने चार सिस्टम्स को हमने कहा था कि ये विसरल मैस है इसके अलावा सर में जो गैंगलियन होता है उसको सेरेब्रल गैंगलियन कहते हैं और फुट में जो गैंगलियन होता है उसको पीडल गैंगलियन बोलते हैं ये नर्व्स के थ्रू कनेक्शन के थ्रू आपस में कनेक्ट करते हैं उन्हें कनेक्टिव्स कहते हैं जो कि हमने जब टॉर्शन की डायग्राम पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा भी था कि सेरिब्रल गैंग्लियन है विसरल गैंग्लियन है पीडल गैंग्लियन है और ये सारे आपस में इन कनेक्टिव्स के थ्रू जो है वो लिंक कर रहे हैं और अच्छे तरीके से जानदार के जिसमें जो रबते का निज़ाम है उसको देख रहे हैं बहुत सारे जानदारों में स्टेटोसिस्ट पाया जाता है जो कि एक रिसेप्टर सेल्स है जो कि ग्रेविटी को डिटेक्ट करने में और सिम्थ को तलाश करने में इनको मददगार साबित होता है टेंटिकल्स के अलावा जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो तो इनको एटमॉस्फेयर में या पानी में मौजूद चीज़ों से मुतलिक इन्फॉमेसन देते हैं जबकि स्टैटोसिस्ट जो है वो इनको ग्रेविटी के मुतलिक इन्फॉर्मेशन देता है तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है राउंडेड इसमें सेंसरी अपीथीलियम है जो कि मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रही हूँ ये सेंसरी अपीथीलियम है यहाँ पर सीलिया मौजूद है जो कि बीटिंग करते रहते हैं और दरमियान में कैल्शियम कार्बोनेट का एक टुकड़ा होता है जिसे स्टेटोलिथ कहते हैं ये स्टेटोलिथ है ये सेंसरी अपीथीलियम है ये अंदर जो बाल आपको नज़र आ रहे हैं ये सीलिया है ये छोटा सा स्ट्रक्चर कहलाता है स्टेटोसिस जो कि इनको सिमत तलाश करने में मदद देता है अब बात कर रहे हैं ऑस्फ्रेडिया की ऑस्फ्रेडिया की जो डायग्राम है आपकी बुक में कहीं पर भी नहीं है ये लेकिन सादा से सेल्स हैं जो कि कीमो रिसेप्टर्स हैं और ये कीमो रिसेप्शन करते हैं कीमो रिसेप्शन का मतलब है कि ये केमिकल्स को डिटेक्ट करने में मदद देते हैं कि किस चीज़ को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए किस चीज़ को छोड़ देना चाहिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पहले एक गेस्ट्रोपोर्ट्स थे प्रिमिटिव जो कि दुनिया में जब दुनिया की शुरुआत हुई और आहिस्ता आहिस्ता जानदार दुनिया में वजूद में आते चले गए तो उनमें हर चीज़ जो थी ज़्यादातर यही गुमान किया जाता है कि जोड़े की शक्ल में थी पेयर की शक्ल में थी तो इनमें नेफ्रीडिया भी जोड़े की शक्ल में थे एक राइट नेफ्रीडियम और एक लेफ्ट नेफ्रीडियम लेकिन जैसे जैसे जानदारों का जो शैल है वो क्वाइलअप होता चला गया तो अंदर ऊपर साइड पर और नीचे साइड पर तिकोना होने की वजह से स्पेस कम होती चली गई सिर्फ दरमियान के जो होरल थे शेल के वो बड़े रह गए इसीलिए कहा यह जाता है कि इनमें दो नेफ्रीडियम थे जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट को सिलोम से बॉडी के फ्लूअड से अब्जॉर्ब करते थे और जिसम से बाहर खारिज करते थे और जिसम से बाहर निकलने वाले पानी के साथ रिलीज़ कर देते थे लेकिन एक नेफ्रीडियम जो कि राइट साइड पर पाया जाता था वो एवोल्यूशन के अमल के दौरान डिसअपियर हो गया और ख़त्म हो गया अब एक ही नेफ्रीडियम पाया जाता है इसका स्ट्रक्चर लगभग वैसा ही है जैसा हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है ये नाइट्रोजनस वेस्ट को सिलोमिक फ्लूड से अब्जॉर्ब करता रहता है और उसको जिसम से ख़ारिज करता रहता है वो जानदार जो कि पानी में पाए जाते हैं वो अमोनिया को एज नाइट्रोजनस वेस्ट आराम से अब्जॉर्ब करके जिसम से ख़ारिज कर देते हैं क्योंकि पानी हर वक्त उनको अवेलेबल होता है और वो पानी में पाए जाते हैं वो जानदार जो इनकी स्पीशीज़ टेरेस्ट्रियल हैं जैसे कि टेरेस्ट्रियल स्नेल्स वगैरह उनमें हर वक्त पानी अवेलेबल नहीं है तो अमोनिया उनके लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि इतना पानी अवेलेबल नहीं होता और ज़्यादा देर अमोनिया को जिसमें में रखेंगे तो जो है वो टॉक्सीफाई टॉक्सीफिकेशन इफेक्ट जो है वो हो जाएगा जिसम के अंदर इसलिए वो क्या करते हैं वो अमोनिया को कम जो हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिक एसिड उसमें कन्वर्ट करते हैं फिर इसको पानी में हल करते हैं और उसको जिसम से बाहर खारिज करते हैं इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल जिनकी में ज़रूरत नहीं होती उनको सेमी सॉलिड फॉर्म में यानी कम पानी के साथ पेस्ट की जैसी शक्ल में जिसम से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि इन्होंने लैंड इन्वायरमेंट पर रहना है टेरेस्ट्रील है ये स्पीशीज एक पानी हर वक्त अवेलेबल नहीं है तो इन्होंने पानी को भी बचाना है रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं ज़्यादातर स्पीशीज़ मोनो हैं इनमें दोनों तरह के गैमेट्स बनते हैं लेकिन ये क्या करती हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन करती हैं स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है क्योंकि एक जानदार फीमेल की तरह भी बिहेव कर रहा है उसमें एग्स बन रहे हैं और वही जानदार मेल की तरह भी बिहेव कर रहा है उसमें स्पर्म्स बन रहे हैं तो दोनों स्पीशीज़ क्या करती हैं जो दोनों अलग स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे के करीब आती हैं पॉपुलेशन के अंदर के दौरान स्पर्म्स को एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र कर लेती हैं एक्सचेंज कर लेती हैं जब ये एक्सचेंज कर लेती हैं तो होता क्या कि एक स्पीशी अपने स्पम्प दूसरी स्पीशी को दे देती है और दूसरी स्पीशी से कुछ स्पम्ब्स ले लेती है दोनों अपने जो एग्स हैं उनको फर्टिलाइज़ कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन का ये अमल बॉडी के अंदर होता है फीमेल में इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और क्योंकि इन्होंने अपने ही एग्स को अपने ही स्वम्स के साथ फ्यूज़ नहीं करवाया तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन है उसके बाद छोटे जानदार डेवलप होना शुरू हो जाते हैं इनके इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव जली के जैसा मादा या कुछ जानदार ग्लैंडुलर सिक्रीशनस पैदा करके कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स पैदा कर देते हैं जिसके अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियोस को डेवलपिंग एग्स को प्रोटेक्शन मिलती रहे और ये इसके अंदर अच्छे तरीके से डेवलपमेंट मुकम्मल करके फिर नए जानदार में जब तब्दील हो जाएंगे तो ये अपनी उस कैप्सूल से बाहर आ जाते हैं और अपनी रेगुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं इनके ऑर्गन्स हैं वो काम करना शुरू कर देंगे ख़ुराक पकड़ना शुरू कर देंगे साइज़ उस वक्त इनका छोटा होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यह बड़े होते चले जाएंगे एग्स को ये या तो सिंगल यानी एक-एक करके जो है वो जिसम से खारिज करते हैं और अगर नहीं तो एक बड़े पूरे मैस में यानी एक पूरी बड़ी इन्होंने जेली के जैसी सिक्रीशन जो है वो पैदा की होगी और हिफाजत की खातिर उसके अंदर जैसे यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ ढेर सारे एग्स जो है उसमें डिपोजिट किए होंगे तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि मैसेज में और ऐसा तब किया जाता है जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जाए और इंटरनली जो है वो जो है रिसीव नहीं किए जाए तो इंटरनली फर्टिलाइज एग्स आर डिपॉजिटेड इन जलेटिनस स्ट्रिंग्स और मैसेज या तो इस मैस की शक्ल में सारे एग्स को जेली जैलीलेक मैटर के साथ डिपॉजिट करके रखा जाएगा या लंबी लंबी धारों की शक्ल में लंबी लंबी स्ट्रिंग्स की शक्ल में जो जलेटिनस मटीरियल है जो म्यूकस मटीरियल है उसको सिक्रिएट किया जाएगा और उसके अंदर एग्स को ऐसे डिपोजिट किया जाएगा मैथ हम इस शक्ल में कहेंगे स्ट्रिंग्स हम इस शक्ल में कहेंगे अब इनमें फ्री स्विमिंग ट्रोकोफोर लार्वा बनता है टॉप शेप लार्वा है एनिलीडा जैसा ही होता है जैसे हमने पीछे देखा था उसमें दो सीलिया के बैंड होते हैं एपिकल टफ्ट होता है जो कि सेंसरी नेचर होता है छोटी सी उसकी गट होती है जो कि उसको खुराक पकड़ने में मदद देती है उसके अलावा ये जो लार्वा है ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल को मॉडिफाई कर लेता है और जब ये मॉडिफ़ाई कर लेता है तो ये एक और शक्ल बना देता है जिसको हम कहते हैं वेलीजर लार्वा तो ट्रोकोफोर लार्वा अपने आप को दूसरे लार्वा में कन्वर्ट कर देता है वेलीजर लार्वा इसका मतलब है कि कुछ स्पीशीज़ में दो आप लार्वा देखोगे तो ट्रोकोफोर लार्वा भी फ्री स्विमिंग है आज़ादी से तैरता फिरता है और वेलिजर लार्वा भी फ्री स्विमिंग है ये भी आज़ादी से तैरता फिरता है फिर दोनों में फ़र्क क्या है ट्रोकोफोर लार्वा में फुट आइज़ टेंटिकल्स और शेल नहीं होता ये चार चीज़ें हैं वन टू थ्री एंड फोर जो ट्रोकोफोर लार्वा में नहीं होती वेलीजर लार्वा में होती हैं सब जानदारों में वेलिजर लार्वा की स्टेज नहीं है कुछ में सिर्फ ट्रोकोफोर लार्वा की स्टेज ही होती है जब ट्रोकोफोर लार्वा वेलेजर लार्वा में कब तब्दील हो जाता है उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को सेटल कर लेता है बैठ जाता है सबस्ट्रेट के ऊपर मेटामॉर्फोसिस शक्लें बदलता है और फिर एडल्ट ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि वेलेजर लार्वा इज़ हाउ वेलेजर लार्वा इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रोकोफोर लार्वा तो हमने बताने है कि जो वेलेजर लार्वा है उसमें फुट है उसमें आइज़ हैं उसमें टेंटिकल्स हैं और उसमें शेल हैं जो कि ट्रोकोफोर लार्वा में नहीं है